वैसे बचपन में अगर किसी ने मुझे कहा होता कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो मैं कभी तैयार नहीं होती। अच्छा, क्यों? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे। और अब तुम शादी करने लायक हो गए। अच्छा, तुम्हें मेरी पुलिस वाली नौकरी ज्यादा पसंद थी या ये वाली? मैंने तुम्हारे नौकरी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। मसूरी चले या नैनीताल? शिमला चल रहे। मुझल भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया पे वो आए हुए हैं। तुम सब लोगों ने मिलकर जब्बर सिंह के सीने में भोंकी है छुरी, कर गए गद्दारी। वो तो जीत गया रामलोचन पांडे, अब क्या रोक पाओगे ब्राह्मण ठाकुर संग्राम? 1200 वोटों से जीता है, यानी जरा सी मदद की जरूरत थी, पर तुम लोग तो संत बन गए। पूरा का पूरा चंबल खामोश। से धोखा खाऊंगा इस बात का अंदाजा नहीं था। राधे श्याम जी आए हुए। निकलो यहां से। मगर जब्बर भाई, जब्बर सिंह का दिमाग खराब हो गया। तुम लोग गद्दार हो सालों, हटो। हाँ ठीक है, कैसे हैं जबर भाई? हाँ ठीक। लखनऊ मैंने आपको कांटेक्ट करने की इतनी कोशिश क्या की आपने? क्या दामोदर को लुढ़का दिया इस वक्त? अरे आपके हारने के बाद इतना चौड़ा हो जाता वो, आपके हमारे बारे आपने ऐसी नादानगी भरी हरकत की है, थोड़ा रुक जाते। और वो पहले से मुंह खोल देता तो आपको मालूम है जिस दिन मारा गया उस दिन आपके हारने की खुशी पार्टी दे रहा था, सारे ऑपोजिशन वालों को बुलवाया था उसने, और हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरे श्याम जी, आप कुछ समझते नहीं है। आपकी हर हरकत के साथ मेरा नाम जुड़ा रहता है हमेशा। ये दिक्कत मेरे साथ भी है। बकवास मत करो, मेरे नाम से तुम्हें हमेशा फायदा ही हुआ है। हुआ करता था, फायदा हुआ करता था जबर भाई। मैंने आपको हजार बार समझाया, इस रामेश्वर को पैदा किसने किया? मैं आपको कह के थक गया, ये आदमी ठीक नहीं है, मत लगाओ इसको मुंह। लेकिन आप राजनीति पहलवानों की तरह शुरू कर देते हो। देखो राधे बाबू, मेरा दिमाग मत खराब करो। हुजूर, वो रामलेचन भैया आए हुए हैं। आप बोला अब आप इसको। अरे अरे चलो भाई, आराम से, पेशेंस, आराम से, कुछ नहीं है साले। आप लोगों के घर का मामला है, आप लोग जरा आराम से बैठकर बात करिए। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, आराम से। तो सिर्फ आशीर्वाद लेने आया था आपका। देख, मैं चाहे जितना भी बुरा आदमी हूं, अपनों से गद्दारी नहीं की कभी। तो धोखे से बना है रामलोचन, धोखे से ही जाएगा। लोचन जी तो निकल रहे हैं, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा जाते जाते कम से कम आपको बधाई तो दे ही दूँ। कांग्रेचुलेशंस। तो उड़ा दिया दामोदर को, चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बात करेंगे कभी मिलकर आराम से। आपसे तो बहुत सी बातें कर रही हैं, आपसे कभी बात ही नहीं हो पाई। अभी जरा जबर जी के घर के सामने अवॉइड करते हैं। हाथ मिलाने के लिए कोई भी जगह बुरी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती की शुरुआत यहीं से जबर सिंह के घर के साथ।